नमस्कार, महाराष्ट्र स्पेशल के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने के अंदर ही पूरी तरह से होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी खेमा बेहद उत्साहित नजर आता है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी आपस में ही उलझे हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि एनसीपी कांग्रेस के कई ऐसे मंत्री और नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। बीजेपी के इस दावे से एकाध विरोध के अंदर हड़कंप मच चुका है। महाराष्ट्र के चुनावी बिसात पर हर पार्टी अपनी अपनी चाल चलने में लगी है। जहां कांग्रेस एनसीपी रेल किराए को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है, वहीं बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए दावा किया है कि कांग्रेस एनसीपी के कई बड़े मंत्री और नेता विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता, मंत्री, एमएलए प्रवेश करना चाहते हैं, हमारे संपर्क में भी है, लेकिन हमने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आम लोगों के लिए तो खुले हैं, लेकिन जहां तक नेताओं का सवाल है, उनमें जो नेता जनता के साथ रहे हैं, जिन्होंने जनता के लिए कार्य किया है, जिनका चरित्र अच्छा है, ऐसे ही लोगों को हम प्रवेश देंगे। इस दावे को झूठा बताते हुए एनसीपी ने बीजेपी का महज पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मल्लिक का कहना है कि बीजेपी के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पाला बदलना चाहता है तो भी उनकी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। झूठ बोलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, कोई पार्टी में इधर से उधर जाता है तो बड़े पैमाने पे जिनकी महत्वाकांक्षा होती है, लोग पार्टियां बदलते रहते हैं। कोई कार्यकर्ता गया या नेता गया तो उससे बहुत ज्यादा कोई पार्टी के संगठन पे या जनाधार पे असर नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई नेताओं ने अपना पाला बदला था। ऐसे में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का ये दावा राज्य की राजनीतिक हलचलों को बढ़ा दिया है। बहरहाल, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे राज्य का राजनीतिक पारा बढ़ता जाएगा और साथ ही सभी पार्टियों के दावों की सच्चाई सामने आ जाएगी। वसीम अंसारी, जिया न्यूज, मुंबई। और मानसून में देरी से इस बार